भारत की आबादी सबसे ज्यादा 77 साल में डबल हो जाएगी। आबादी के मामले में भारत चीन से आगे निकल गया है। देश की जनसंख्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की कुल आबादी 144.17 करोड़ है, जबकि साल 2011 में की गई जनसंख्या के दौरान यहां 121 करोड़ की आबादी, वहीं चीन की आबादी अब 142.5 करोड़ रह गई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह अनुमान भी लगाया गया है कि अगले 77 सालों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जो अब दुनिया भर में होने वाली ऐसी सभी मौतों का 8% रह गई है। भारत में इस बड़ी सफलता का क्रेडिट सरकार के सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को जनता तक पहुंचाने और लैंगिक भेदभाव को कम करने के प्रयासों को दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की 24% आबादी 0 से 14 वर्ष की है, जबकि 17% आबादी 10 से 19 वर्ष की, 10 से 24 साल के 26% लोग है, जबकि 68% 15 से 64 आयु वर्ग के हैं। भारत की 7% आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक की है, जिसमें पुरुषों की जवान प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष है।